देश सहित प्रदेश में कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते वो राष्ट्र सेवा सर्वोपरि मानते हुए सुंदरनगर की एक बेटी ने अपनी शादी समारोह को स्थगित कर कोरोना वॉरियर्स के तौर पर ड्यूटी निभाना मुनासिब समझा है। जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर इस सुंदरनगर की बेटी ने संपूर्ण क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर के एक छोटे से कस्बे डहर की रहने वाली एक स्टाफ नर्स पूजा शर्मा की शादी इस लॉकडाउन व कर्फ्यू के मध्य 14 अप्रैल को होनी थी, लेकिन अपनी फर्ज व सेवा को प्रथम प्राथमिकता देते हुए इस कोरोना वॉरियर्स ने अपनी शादी बाद में और फर्ज को पहले रखते हुए इस युद्ध में अपनी सहभागिता दर्ज करवाई है। डहर निवासी पूजा शर्मा पुत्री प्रकाश चंद शर्मा, जो इस कोरोना वायरस की लड़ाई में प्रदेश के चंबा मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में बतौर स्टाफ नर्स सेवाएं दे रही है। पूजा की शादी 14 से 15 अप्रैल को होनी तय हुई थी, लेकिन लॉकडाउन व कर्फ्यू के मध्य पूजा शर्मा की ड्यूटी चंबा मेडिकल कॉलेज में कोरोना संदिग्धों के उपचार के लिए लगी होने के कारण इस बेटी ने अपने फर्ज को प्राथमिकता देते हुए शादी बाद में करने का निर्णय लिया है। बेटी के इस अहम फैसले का उसके परिजन समेत होने वाले जीवन साथी व ससुराल वालों ने पूर्ण साथ व सहमति जताते हुए उसे कोरोना की लड़ाई लड़ने में अपना सर्वोच्च सेवा देने का साहस व प्रेरणा दी जा रही है। इस घर में आज बेटी की शादी के मंगल गीत व लोगों की चहल पहल होनी थी, वहां पर आज सब शांत माहौल है। परिजनों व पड़ोसियों व गाँव के लोगों को इस बेटी पर नाज है। हमारी बेटी जो है चंबा मेडिकल कॉलेज में जो है अपनी सेवा दे रही है, तो हमें बहुत खुशी की बात है। और जो विवाह शादी का समारोह उसमें हम बाद में भी कर देंगे, पहले देश सेवा है। हमें बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी देश के काम आ रही है। धन्यवाद। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।